मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में डीबी सिटी विकास समिति द्वारा विश्व में शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीबी सिटी विकास समिति के पदाधिकारियों में विनोद मिश्रा सहित अन्य सदस्य गण मौजूद रहे। साथ ही सभी सदस्यों ने विश्व शांति के लिए संदेश देते हुए कहा कि आज एक डीबी सिटी में मोमबत्ती जलाकर और पुष्प अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। रहवासी सभी एकजुट होकर आतंकवादियों द्वारा हमारे शहीद सैनिक एवं बुजुर्ग महिला पुरुषों पर जो हमास ने आक्रमण किया था, जिसमें हमारे काफ़ी हमारी माताएं बहनाएं विधवा हुई हैं, तो हम सब डीबी सिटी रहवासियों ने निर्णय लिया कि हम सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं भगवान से प्रार्थना की और मैं चाहता हूं कि यह संदेश हवा के माध्यम से जाना चाहिए कि दोनों देश के नेताओं को सद्बुद्धि मिले और लड़ाई बंद हो, जिससे हमारी माताएं बहनाएं जो आज शहीद हो रही, जो हमारी विधवाएं हो रही हैं, जो हमारे देश के सैनिक, देश कोई सा भी हो, जब उस पर आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो थर्रा थर्रा घर का एक एक कड़ हिल जाता है। जिस तरह घर परिवार में भी लड़ाइयाँ होती हैं तो बच्चे भी उसके कहीं ना कहीं चपेट में आते हैं, उसी प्रकार जब देश पर इतना बड़ा संकट आया है तो हम यहाँ से बैठ के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी बंद हो और सभी लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो। इस मुहिम से हमने सभी रहवासियों ने एक श्रद्धांजलि अर्पित किया।